एमपी में लागू होगा गुजरात का मॉडल। गुजरात के फार्मूले से एमपी फतेह करने की तैयारी। एमपी में कटेंगे मंत्री से लेकर विधायकों तक के टिकट। पुरानों पर चलेगी तलवार, नए चेहरे लगाएंगे बीजेपी की नई अपार। सीएम शिवराज पर भी असमंजस बरकरार। गुजरात में बंपर जीत के बाद अब बीजेपी गुजरात मॉडल को देश के दूसरे राज्यों में दोहराने में लगी है। मध्य प्रदेश में अगले साल चुनाव होने जा रहा है और मध्य प्रदेश में भी स्थितियां कमोबेश गुजरात जैसी हैं। यही वजह है कि अब गुजरात के फार्मूले से एमपी को फतेह करने का प्लान बीजेपी ने तैयार किया है। गुजरात की तरह ही मध्य प्रदेश में भी लंबे समय से बीजेपी की सरकार है। अगर मार्च 2018 से 2020 तक यानी डेढ़ साल को छोड़ दें तो 2003 से अब तक राज्य में बीजेपी की सरकार है। इस पे ज्यादातर समय तक शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री रहे। लंबे समय से चल रही सरकार, एंटी इनकमेंसी, पार्टी नेताओं में फूट और तकरार जैसी तमाम परेशानियों से जूझ रही बीजेपी अब गुजरात फार्मूले को मध्य प्रदेश में अमल में लाने की रणनीति तैयार कर रही है। भाजपा ने गुजरात में जीत हासिल करने के लिए चुनाव से कुछ दिन पहले ही न सिर्फ मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया था, वहीं चुनाव के समय बीजेपी ने राज्य के तमाम दिग्गज नेताओं के टिकट काट दिए थे। पूर्व सीएम विजय रूपाणी, पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल समेत कई बड़े नेताओं को उम्मीदवार ही नहीं बनाया गया था। कुल 31 बड़े नेताओं की टिकट चुनाव से पहले बीजेपी ने काट दिया था और इसी रणनीति के तहत गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी को बीजेपी ने खत्म कर दिया और बीजेपी 156 सीटें जीतने में कामयाब रही। बीजेपी मध्य प्रदेश में भी अब की बार 200 पार का नारा बुलंद कर रही है, लेकिन बीजेपी ने अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में 3-लेयर सर्वे करवाया था। इस सर्वे में जो रिपोर्ट सामने आई वो बीजेपी की परेशानी बढ़ाने वाली है। सर्वे के मुताबिक बीजेपी के तमाम विधायकों के आचरण व व्यवहार से जनता नाखुश है। ऐसे में बीजेपी गुजरात फार्मूले की तर्ज पर एमपी में भी विधायकों और मंत्रियों के टिकट काट सकती है, लेकिन दरअसल बीजेपी को बैकफायर का डर सता रहा है। बीजेपी को डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हिमाचल प्रदेश की तरह बीजेपी के टिकट कटने वाले बागी उसका खेल बिगाड़ दें। ठीक वैसे जैसे हिमाचल में बीजेपी ने 20 विधायकों के टिकट काटे और उनकी बगावत ने बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दिया, क्योंकि गुजरात और मध्य प्रदेश की सियासत अलग अलग है। गुजरात में मोदी सबसे बड़ा चेहरा है तो वहीं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरोत्तम मिश्रा जैसे न जाने कितने बड़े नेता हैं जो पार्टी के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। गुजरात में चुनाव से कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदल दिया गया था, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी इस खतरे को उठा पाने की स्थिति में दिखती नहीं है। यही वजह है कि शिवराज सिंह चौहान को लेकर संशय अभी तक बरकरार है, लेकिन पार्टी के अंदर सोर्सेस बता रहे हैं कि शिवराज का चेहरा तो बरकरार रहेगा लेकिन तमाम विधायकों के टिकट कटना तय माना जा रहा है। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।